नेशनल ग्रिड में फनी खराबी सबब सिंध समेत समूरे मुल्क में बिजली जो वो ब्रेकडाउन। सिंध के सखर, हैदराबाद, लाड़कानो, शहीद बेनसीराबाद डिवीजन के अक्सर इलाक की सुबह का बंद थियल बिजली अना बहाल न थी। बलूचिस्तान के भी केतर ही जिलों की बिजली अना ताई बंद पियल। पंजाब के शहर मुल्तान, रहीम यार खान समेत अक्सर इलाक की बिजली बंद पियल। बिजली की बहाली में केतरो वक्त लग अना ताई को भी पतो न पो। वफाकी हुकूमत बिजली के ब्रेकडाउन की जांच ला कमेटी जोड़े छी। चार दिन में रिपोर्ट देने की हिदायत। तवानाई वाले वजीर खुरम दस्तगीर है तो बिजली जो ब्रेकडाउन मुख्तलिफ हंधन से ट्रिपिंग सबब थो। प्लांट्स की बहाली में कुछ कलाक लगी सकन था। रात ताई बिजली मुकम्मल तौर बहाल थी वी। जाम छोरों ए कराची में एक ही वक्त बिजली बंद थे समझ का बाहर है। जांच कराए रहा हूं, रिपोर्ट अचने बाद ही खबर पवी। के इलेक्ट्रिक कराची शहर की बंद थियल बिजली बहाल करण में नाकाम। शहर जहां अक्सर इलाका अना ताई बिजली का महरूम। के इलेक्ट्रिक शहर में बिजली बंदिश जो सबब कौमी ग्रिड के करार दई छो। तर्जुमान है जाम शोरो ट्रांसमिशन लाइन ट्रिप थियण सबब के इलेक्ट्रिक जहा बिजली घर बंद थिया, बिजली बहाल कर रहा है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ जा गिरफ्तारी वारंट से जारी थे बाद अमलदार सिंध हाई कोर्ट में पेश। के इलेक्ट्रिक अमलदार अदालत के बुधा तो समूरे मुल्क की बिजली बंद आए। सिंध हाई कोर्ट के बिजली के इलेक्ट्रिक के करे बंद ना है। जस्टिस सलाउद्दीन रिमार्क नाथ सिंध हाई कोर्ट के इलेक्ट्रिक के माहवार 60 लाख रुपया बिजली की मद में दीन्द है। बिजली न होंगी तो अदालतू कि हल्द जजिस कि कम कंदा। पानी ऐं तवानाई बाबत सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्ट्रिक के सीईओ की गिरफ्तारी जो हुक्म जारी कर छो। चेयरमैन सैफुल्ला अबरो सवाल कयो तो मुल्क के दाखिण इलाकन में बिजली छो ऐं ट्रिप थी। कराची में बिजली जो निजाम लगातार खराब है, जैके बेहतर बनाने लाए कड़ो कम थो है। पावर डिवीजन भी के इलेक्ट्रिक के करप्शन में शामिल है। कमेटी पारा तवानाई वाले वजीर के बिजली के ब्रेकडाउन से ब्रीफिंग दियण की हिदायत। घरू वजारत कराची में थन्द मकानी चूंड ए मुल्क में थन्द नंढी चूंड ला फौज एफसी ए रेंजर्स मुकर्र कर मंसूरी दई छी। वफाकी घरू वजारत फैसले का इलेक्शन कमीशन के आगाह कर छो। खत मूजिब कराची में 23 अक्टूबर से रिथल मकानी चूंड ला पाक फौज क्विक रिस्पॉन्स फोर्स तौर मौजूद रही। चीफ सेक्रेटरी सिंध कराची के बिन तकन से 16 अक्टूबर से नंढी चूंड बाबत इजलास। आईजी सिंध फौज ए रेंजर्स के अमलदार शरीक थिया। सूबा इलेक्शन कमिश्नर एजाज चौहान है तो शफाफ चूंडू कराण इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है। हर पोलिंग स्टेशन से 8 से 10 पुलिस एहलकार मुकर्र किया वा। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन से सीसीटीवी कैमरा लगाया वा। चूंड जब्तन की भंजखड़ी से सख्त कार्रवाई थी। चोरन के इख्तार में चोरन के एनआरओ डींदड़ मुल्क जो सब का वो कतार है। सवात कबाली इलाकन में दहशतगर्दी की जिम्मेवार वफाकी हुकूमत है। मर्दान में जलसे खिताब कंदे पीटीआई चेयरमैन इमरान खान है तो शाह आजम सवाती दहशतगर्द है जो कैंस कपड़न का आजो कर तशद किया है। को भी इदारो गलत फहमी में न रहे तो तशद कर वफात तब्दील करा सके तो। इलेक्शन कमिश्नर से गर्जी इन नंढी चूंड में तांदरी जो मनसूबो तैयार किया है। 10 से 15 हज़ार 40 वोट होने बावजूद इन शिकस्त दींदी। बॉर्डर वफाक के कंट्रोल में आन तो दहशतगर्द कि पाकिस्तान में दाखिल थी रहा है। असो मुकाबलो एक चरे शख्स से है।
जैके अमेरिका इसराइल इंडिया की पुठभराई है। हि फितनो मुल्क के तोड़ चाहे तो चार सदा में जलसे के खिताब करते पीटीएम सरबरा मौलाना फजल रहमान है इमरान बुधाए तो उन कंजे चवण से सीपेक के बंद कर शख्स के वोट दियण मुल्क के तबाह कर बराबर हों सदर भी साजिश ना है थी इक्तदार मां निकाली मिलण बाद इमरान खान पंहिंजो होश विञाए वेठो आहे। परदेही वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी से पाकिस्तान में नए मुकर्रर थियल स्विट्जरलैंड के सफीर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी बोर्ड मुतासिर की इमदाद से स्विट्जरलैंड के सफीर जा थोरा मना परदेही वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी से शाम में पाकिस्तान के नामज साफीर एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद अख्तर की मुलाकात। बिलावल भुट्टो जरदारी है पाकिस्तान शाम जहा मजहबी सकाफती लागापा शाम से तालीमी व्यापारी लागापन की हथी डी वी इस्लामाबाद की अदालत उर्त जज के धमकी दियण वाले बिन केसेस में पीटीआई इमरान खान की जमानत पक्की कर छी। इस्लामाबाद की अदालत में जाफी हैसियत में पेश थो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जमानत की मुखालफत अदालत 50,000 रुपये की मचल करने वज इमरान खान की जमानत पक्की कई। ये FIR मुझे तशद्दुद किया जुर्म में किया गया कानून की पासदारी नहीं। स्वाति स्वाति साहब किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया ट्वीट करने पे पेटी आगवान आजम सवाती बिन दिन के जिस्मानी रिमांड से FIR हवाले वफाकी जांच इदारे आजम सवाती के इस्लामाबाद की अदालत में पेश कर रिमांड वरतो। अदालत आजम सवाती के बिन दिन के रिमांड से FIR हवाले कंदे मेडिकल चेकअप करने जो हुक्म दिनो। वफाकी हुकूमत इम्कानी लॉन्ग मार्च से पीटीआई चेयरमैन इमरान खान खिलाफ तोहिन अदालत की दरख्वास्त दाखिल कराए छी। घर वजारत पारा दाखिल करायल दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया तो सुप्रीम कोर्ट इमरान खान के पुरमन एहतजाज की इजाजत दिनी हुई। इमरान खान एक फेरो बीहर इस्लामाबाद से चढ़ाई का ऐलान कर रो है। अदालत के सदा है इमरान खान के एहतजाज और धरने के हवाले से हुक्मन से अमल दरामद यकीनी बनाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 करोड़ का बोर्ड मुतासिन की बहाली की हुकूमत लाए वो चैलेंज करार दींदे है तो माहौलियाती तब्दीली में पाकिस्तान एक सैकड़ों भी जिम्मेवार ना है। बोर्ड सबब पाकिस्तान जो 30 अरब डॉलर्स का नुकसान किया है। बोर्ड मुतासिन की मदद करने से आलमी बिरादरी जा थोरायता हूँ। पाकिस्तान इंद नस्ल के पुरमन माहौल देने ला भारत से नतीजा दींदड़ गाल चाहे तो वालर कश्मीर में भारतीय जुल्म खत्म करने ताई अमुन कायम न थी। शहबाज शरीफ काजकिस्तान का डेह रवानो। नूरियाबाद में बस के बाह लगण सबब सड़ी फोत थियल कैन शाहवासी अरणा बोड मुतासर के अबाणे गोठ में जनाज़े नमाज़ बाद तकफीन कई वही। जनाज़े नमाज़ में इलाके वासियों के वे अंग में शिरकत एक ही गोठ में अरणा जनाजा खजण से सोग वारो माहौल रो सामने जो केस कोच के मालिक ए ड्राइवर से दाखिल।
कराची का कैन छावींदड़ कोच एयर कंडीशन यूनिट में शॉर्ट सर्किट सबब नव लगी वीह मिंटन से नूरियाबाद वेझो बाह लगी बाह सबब अरड़ा मुसाफिर सड़ी पौतिया एनएचए मोटरवे पुलिस पारा नूरियाबाद थाने की शुरुआती रिपोर्ट जारी रिपोर्ट मूजिब बाह लगन बाद कोच ड्राइवर इमरान शेख फरार थी वो हो कराची जा अहम रस्ता बरसात का मरम्मत न थियण सबब गाड़ियों हलायण जड़ा न रहा एमएजना रोड यूनिवर्सिटी रोड आई बलोच पुल का डिफेंस वेंदड़ रोड से केतरा ही फुट वा खड़ा होने सबब गाड़ियों हलायण भी मुश्किल थी व्यू मिट्टी आई धूर भी शहर जो साह खण मुहाल कर सां जॾहिं उहे ख़राबु थींदियूं आहिनि त पोइ जेका घर अचणु वञण वारा हूंदा आहिनि कम्यूटर्स आहिनि उहा अनफ्रिक्वेंटेड रोड्स वठंदा आहिनि ऐं अनफ्रिक्वेंटेड रोड्स यूजली उहा हूंदियूं आहिनि जेका घिटियूं हूंदियूं आहिनि उते प्रॉपरली लिट बि कोन हूंदी आहे ऐं उते जेको आहे एतिरी ट्रैफिक बि कोन हूंदी आहे त पोइ जेका ही पुर करण वारा हूंदा आहिनि उहा उन्हनि खे ख़बर हूंदी आहे त कुझु न कुझु माण्हू इहा ख़राबु रोड हुजनि जे करे हिन घिटी में अची सघनि था पोइ हुते उहो जेको न नाको लॻाए इंतज़ार कंदा आहिनि त हिते को न को अहिड़ो अचे त जंहिंसां हू पुर करे सघनि त कंहिं हद तक इहा ॻाल्हि दुरुस्त आहे त रोडनि जी कंडीशन जे करे स्ट्रीट क्राइम में बि इज़ाफ़ो थिए थो कराची जे ट्रैफिक पुलिस बि टुटल रोडनि खे स्ट्रीट क्राइम जो हिकु सबबु करार ॾेई छॾियो डी आर जी ट्रैफिक अहमद नवाज़ चीमा चयो आहे त रोड ख़राबु ऐं टुटल हुअण सबबु ट्रैफिक की रवानी मुतासिर थिए थी ऐं शहरी मतबादल रोड इस्तेमाल कनि था जंहिं सबब स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो निशानो बणजनि था सिंध जे बोड़ सटल इलाइक़नि में मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि खे वधीक 6 ॼणा फोत न्यू सैदाबाद में ॿिनि औरतुनि समेत 3 ॼणा डेंगी विखे फोत थिया जेका बाद में मलेरिया विखे हिकु निंगरी हयाती विञाए वेठी मुख़्तलिफ़ शहरनि में बोड़ मुतासिरनि पारां पाणी नेकाल न थियण ख़िलाफ़ एहतजाज बि जारी सिधाकोट कलोई ऐं डाहली में नारियुनि सां ज़ाती जी जवाबदारनि जो 164 जो बयान रिकॉर्ड करण जो हुकुम ॾेई छॾियो सिधाकोट में ॿुधणी दौरान डीआरजी मीरपुर ख़ासि ऐं एसएसपी थरपारकर पेश थिया एसएसपी थरपारकर ॿुधायो त डाहली में नारी सां ज़ाती केस में ॿिनि जवाबदारनि खे गिरफ़्तार कयो वियो आहे कलोई में ज़ाती बाद नारी मिस्मात गुलशाना सुमरू आबखात करे छॾियो हो चीफ जस्टिस मोहम्मद अली अहम शेख अख़बार में शाया थियल ख़बरुनि जो पाण मुरादो नोटिस वरितो हो एफआईए कंपोजिट सर्कल की शिकारपुर में कार्रवाई फोर्थबुर्ग के इल्जाम हेठ नेशनल बैंक शिकारपुर टे ऑफिसर गिरफ्तार एफआईए मूजिब कार्रवाई दौरान टिन ऑफिसर सुहेल अहमद भुट्टो रियाज अहमद पेचवो और निसार अहमद गहरी के गिरफ्तार कर वरतो गिरफ्तार जवाबदार बैंक कस्टमर्स चइनि करोड़ रुपियनि जा सोना ज़ेवर फोर्थबुर्ग करण में मुलविज़ आहिनि एफआईए क्राइम सर्कल की सखर में कार्रवाई जालसाज़ी जे इल्ज़ामनि में सोन जे ॿिनि वापारियुनि अनवर ऐं आदिल भट्टी खे गिरफ़्तार करे वरितो
केस के मतन मूजिब जाली सोन की रसीदन जरिए निजी बैंक का 2 करोड़ रुपये का कर्ज वरतो वयो।